लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर की पहली चीज जो हम लर्न करने वाले हैं दैट इज जीन क्लोनिंग. ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा. द फर्स्ट थिंग वी वॉन्ट टू लर्न दैट इज जीन क्लोनिंग. जीन क्लोनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें हम बोल रहे हैं जीन क्लोनिंग. एक्चुअल में जीन क्लोनिंग जो है आपने देखा होगा रिप्लीकेशन नेचुरली जो होता है यूज किया जाता है. रिप्लीकेशन जो होता है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. रिप्लीकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको कि जीन क्लोनिंग में इन्वॉल्व किया जाता है. ठीक है, यही चीज है जो जीन क्लोनिंग की बात की जाती है. रिप्लिका कॉपी बनती है, जीन को क्लोन करना. रिप्लीकेशन में नेचुरली कहा होता है रिप्लीकेशन में, इसका मतलब होता है दैट रिप्लिका कॉपी ऑफ द जीन, दैट इज रिप्लिका कॉपी ऑफ द जीन. रिप्लिका कॉपी ऑफ द जीन में ये चीज इन्वॉल्व होता है. ठीक है, नाउ अगर हम जीन क्लोनिंग की बात करते हैं तो जीन क्लोनिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट. जीन क्लोनिंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. वन इज लाइक सेल फ्री, एक जो होता है सेल फ्री और एक होता है सेल बेस्ड. सेल बेस्ड आइदर वी कैन से सेल बेस्ड और सेल फ्री क्लोनिंग. सेल फ्री क्लोनिंग जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज इन विट्रो टेक्निक. ये क्या है, ये आपका इन विट्रो टेक्निक इन्वॉल्व है. इट इज अ इन विट्रो टेक्निक. एग्जाम्पल ऑफ दिस दैट इज अ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सेल बेस्ड इज लाइक ये जो होते हैं इन वीवो टेक्निक. इन वीवो होते हैं यहाँ पे, दे आर लाइक रिप्लिकेशन मशीनरी को यूज किया जाता है. इन साइड द सेल होता है, इन साइड द सेल, जो कि इसको नॉर्मली हम बोलते हैं जीन क्लोन. इसी को जीन क्लोनिंग जो बोला जाता है दैट इज सेल बेस्ड जो होता है वो इन्वॉल्व होता है. सेल फ्री जीन क्लोनिंग कैन बी सेल फ्री और सेल बेस्ड. सेल फ्री इज इन विट्रो टेक्निक और PCR. And cell based is in vivo inside the cell or gene cloning. ये चीज जो है यहाँ पे इन्वॉल्व की जाती है. ठीक है, सो चलिए हम सेल बेस्ड क्लोनिंग के ऊपर बात करते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं कि क्या है सेल बेस्ड क्लोनिंग और कैसे चीजों को लर्न किया जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज अ सेल बेस्ड क्लोन. सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सेल बेस्ड क्लोनिंग, इसका दूसरा नाम क्या था, दैट इज जीन क्लोनिंग. इसको अगर हम बोले तो दिस इज जीन क्लोनिंग. ये जो है ये जीन क्लोनिंग का पार्ट है. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं. तो कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी जीन की कॉपी बनानी है, जिस भी जीन को क्लोन करना है वो चाहिए. तो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए. क्या चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट. आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जिससे कि जिसको जिसकी कॉपी बनानी है वो तो आपको चाहिए चाहिए. इसके बाद आपको एक व्हीकल चाहिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए, व्हीकल. वो व्हीकल जो होता है दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर. आपको एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर के बिना ये काम नहीं चलने वाला है. वेक्टर के बाद अब जहां पे लेके जाओगे एक सुटेबल होस्ट चाहिए जिसमें आप कॉपी बनाओगे. सुटेबल सेल बेस्ड है तो एक सुटेबल होस्ट सेल चाहिए, सुटेबल होस्ट चाहिए. देन देयर इज लाइक सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए. ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बड़े ही रोल प्ले करते हैं आपके. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके ऊपर कि ये क्या करते हैं, कट एट वेरी स्पेसिफिक साइट. आगे आने वाले वीडियोस में आपको बता दिए जाएंगे, एक वेरी स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, वेरी स्पेसिफिक साइट पे ये जो होते हैं कट करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो हो जाता है कि अगर नॉर्मली बात किया जाए तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि ये वेक्टर जो होता है, वेक्टर में कई सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है. प्रॉपर्टीज इज लाइक इसके पास जो पाया जाता है वो है ओराई, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. ओराई को बोलते हैं ओरिजिन चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हैं रिप्लिका की कॉपी कर रहे हैं, रिप्लिका कॉपी कर रहे हैं तो ओरिजिन आपको चाहिए. इसके बाद आपको चाहिए दैट मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS, दैट मल्टीपल क्लोनिंग साइट. मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब ये है, मल्टी क्लोनिंग साइट की कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. इसका क्या मतलब है, साइट ऑफ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, साइट ऑफ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. मल्टीपल क्लोनिंग साइट के साथ साथ आपको चाहिए यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट. यूनिक, व्हाट इज यूनिक, यूनिक का मतलब है रिस्ट्रिक्शन साइट जो है, रिस्ट्रिक्शन साइट नंबर शुड बी वन. हर एक जितने भी एंजाइम हो वो एक ही बार प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एंड
आफ्टर दैट वेक्टर के पास कुछ सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है ये क्यों जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ आपके स्क्रीनेबल मार्कर चाहिए, व्हाट इज सिलेक्शन, व्हाट इज स्क्रीनेबल, स्क्रीनिंग, इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो कुछ आपके स्क्रीनेबल मार्कर भी चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर में ज्यादातर एंटीबायोटिक्स का यूज है ज्यादातर, एंड स्क्रीनेबल मार्कर में वी कैन यूज आइदर एंटीबायोटिक्स और वी कैन यूज सम प्रोटीन्स लाइक GFP, लाइक बीटा गैल एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लैक्सेड एंड ऑल नॉट। तो ये चीजें जो होती है वहां पे इन्वॉल्व होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ साथ यहाँ पे आपको लाइगेज एंजाइम भी चाहिए फॉर द लाइगेसिस। दिस शुड बी द लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम चाहिए। एंड आफ्टर दैट देयर इज लाइक डीएनए डिलीवरी मेथड्स या डीएनए ट्रांसफर मेथड्स, डीएनए डिलीवरी। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो सेल बेस्ड क्लोनिंग के लिए चाहिए। अगर आप बात करें तो यू नीड लाइक आपके पास एक जीनोम डीएनए होना चाहिए, इसको कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। इसके बाद जब इसको कट करके एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को किसी भी होस्ट में इंसर्ट करेंगे, बिना होस्ट में इंसर्ट किए तो कुछ होने वाला नहीं है। सो होस्ट में इंसर्ट करेंगे, होस्ट में इंसर्ट करके ये सर्वाइव होगा और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और इसमें आपको रिकॉम्बिनेंट सेल को सेलेक्ट करना होगा, स्क्रीन करना होगा, ठीक है। सो आपके पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI बोलते हैं वेक्टर चाहिए, आपके पास होस्ट सेल चाहिए और रिकॉम्बिनेंट को स्मॉल आर लिखा जाता है, जनरली नॉट कैपिटल आर। तो इस तरीके की कुछ चीजें आपको चाहिए। और इसके अलावा मान लीजिए कोई वेक्टर है तो वेक्टर में मल्टीपल साइट्स जो है आपको चाहिए, जैसे कि मान लो BAM-H1 है, मान लो ECO-R1 है, मान लो जो है आपके HIN-3 है। These are the some sites जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो सेल बेस्ड क्लोनिंग में ये कुछ चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। तो लेट्स सी कि कुछ चीजें जो है वो आपके क्या क्या हो सकते हैं सेल बेस्ड क्लोनिंग में। तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे, क्या चीजें होंगी सेल बेस्ड क्लोनिंग में, उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नाउ ध्यान देने की कोशिश करिएगा सेल बेस्ड क्लोनिंग में। तो जीन क्लोनिंग क्या है, ये है जीन क्लोनिंग। सबसे पहला हिस्सा जो होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। द फर्स्ट स्टेप दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इन्वॉल्व हो गया। सेकेंड स्टेप इज लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करवाओगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड स्टेप इज लाइक सेलेक्शन, थर्ड स्टेप इज सेलेक्शन। व्हाट इज फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप इज स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग। फिफ्थ स्टेप इज दैट इज एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। यानी ये चीजें जो है आपको चाहिए, क्या दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन सेलेक्शन, देन स्क्रीनिंग and then amplification। इनको और डिटेल में समझने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। वो चीजें क्या है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सो पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सिलेक्शन, फिर स्क्रीनिंग, फिर amplification। सो व्हाट आर दीज थिंग्स, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर, जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर लेके आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, अपटेक ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फॉरेन डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रॉम होस्ट। जो होस्ट होगा उसके अंदर इंसर्ट तो कराओगे ना भाई, होस्ट से, ठीक है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। सेलेक्शन क्या है, अभी मैं कुछ टर्म बोल रहा हूँ इस चीज पे डिफरेंशिएट करूंगा। सेलेक्शन क्या है, दैट ये जो होता है ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल के बीच को सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करेगा किसको, सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड, टर्म समझना, ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल ये सेलेक्ट करेगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग के लिए,
तो स्क्रीनिंग जो होता है ये सेलेक्ट करता है रिकॉम्बिनेंट, ये क्या करेगा स्क्रीन द रिकॉम्बिनेंट, स्क्रीन द रिकॉम्बिनेंट, ये जो होगा रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करेगा एंड स्क्रीन द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट से हटाएगा कि मुझे कौन सा क्या चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद एम्प्लीफिकेशन में दैट नंबर जो है इंक्रीज होना चाहिए, नंबर शुड बी इंक्रीज, ठीक है। सो ध्यान देना सिलेक्शन जो है दैट सिलेक्शन का मतलब है ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को अलग करना, एंड स्क्रीनिंग का मतलब है रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करना। दिस इज द केस जो कि आपका है, क्या है अभी हम जब लर्न करेंगे तो समझ में आएंगे, कुछ कुछ चीजें आपको बता रहा हूं यहाँ पे, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पार्ट, एक एक स्टेप करके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जीन क्लोनिंग, पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसमें क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपको क्या करना होता है कि दिस इज वेरी सिंपल, कि एक सोर्स चाहिए, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर बात करते हैं तो देयर शुड बी अ सोर्स, आपके लिए क्या होगा कि यहां पे सोर्स चाहिए, सोर्स से आप क्या करेंगे डीएनए को आइसोलेट करेंगे, यू हैव टू डू द डीएनए आइसोलेशन, फिनॉल क्लोरोफॉर्म यहां पे जो यूज होता है दैट इज फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड से आप आइसोलेट करेंगे। आफ्टर दिस पर्टिकुलर डीएनए आइसोलेशन आपने क्या किया, डीएनए आइसोलेट किया, आपके पास जो है डीएनए आ गया, आपके पास एक डीएनए जो है वो आता है इसमें, ठीक है। अब डीएनए में क्या होता है कि डीएनए में ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादातर दिस इज लाइक यू हैव टू यूज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस को यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे, और ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे होते हैं, स्टिकी एंडेड यूज करते हैं, स्टिकी एंडेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल इको आर वन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज स्टिकी एंड ब्लंट एंडेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर दोनों एंड डीएनए का सेम है तो दैट शुड बी लाइक कि वो जो हो जाता है वो आपका दैट इज द केस कि हाँ भैया नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो हो जाता है आपके स्टिकी एंडेड। अगर ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, दिस इज, ये क्या है, ये है ब्लंट एंड, कोई इस तरीके से ब्लंट एंडेड है। स्टिकी एंडेड का मतलब जो कि आपके 5 प्राइम ओवरहैंग को करे, 5 प्राइम ओवरहैंग को जनरेट करे, दिस इज लाइक 5 प्राइम ओवरहैंग जो है स्टिक, ये है आपके स्टिकी, और ये देखिएगा कि ये इसका मतलब है ये 3 प्राइम ओवरहैंग को कर रहा है, तो दिस इज लाइक ये जो है 3 प्राइम ओवरहैंग, ओवरहैंग का मतलब है लटकना, दिस इज लाइक देखिए ये लटक रहा है। सो ये क्या है, ये आपके स्टिकी एंडेड होते हैं, इनको बोलते हैं या कोहेसिव एंडेड बोलते हैं, ये सारे नाम होते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने डीएनए को यहां पे जिस पर्टिकुलर जीनोम को कुछ इस तरीके से किया जिससे कि वो जो है आपका स्टिकी एंडेड फॉर्म में, मान लो 5 प्राइम 3 प्राइम जो भी है वो उस तरीके से ओवर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है 5 प्राइम ओवर है होगा, ये क्या है आपका, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपने डाइजेशन कर लिया। नाउ यू विल हैव अ वेक्टर, आपके पास एक वेक्टर होगा, वेक्टर जब होगा तो इस वेक्टर को भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसमें गैप क्रिएट करना पड़ेगा। इस वेक्टर को जब डाइजेस्ट करोगे तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करो, द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि आपने डीएनए के लिए यूज किया, अदरवाइज लाइगेशन नहीं होगा। साइट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इको आर वन, अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम देखेंगे, मैपिंग भी देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज पूरा का पूरा भी मैपिंग बाद में आएगा, कैसे क्या करना है, कितना फ्रेगमेंट, यहाँ पे बस क्लोनिंग से लिखें, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब वेक्टर को जनरेट करेगा, लेकिन नॉर्मली जो है यहाँ पे कुछ वेक्टर के हिस्से जो है ये मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक कि अगर नॉर्मल बात करूं तो इट शुड बी लाइक इस तरीके से, मान ठीक, ये हिस्सा जो है यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो है ये डीएनए और ये डीएनए आपस में लाइग्रेट होंगे क्योंकि सेम कोहेसिव एंड मिलेगा, बिकॉज इसका कोहेसिव एंड और इसका कोहेसिव एंड, इको आर वन का जो साइट होता है वो होता है जी ए ए टी टी सी, इसमें जब कट करेगा ये तो आपको ये कोहेसिव एंड और कोहेसिव एंड इधर इधर मिलेगा,
एक तरफ इसकी तरफ जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, मतलब नॉर्मली कि ये इंडिकेट कर रहा है और ये है ए ए टी टी सी। नॉर्मल इस तरीके के केसेस जो हैं कुछ कोहेसिव एंड्स जो होंगे वो आपके पाए जाएंगे, ठीक है। सो कोहेसिव एंड्स जो होंगे वो जाके यहाँ पे लाइगेट करेंगे और लाइगेट करने के बाद क्या करेंगे कि फिर एक पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट फैक्टर बना देंगे। दैट शुड बी सिंपली लाइक दिस वन। इसमें क्या है, इसमें आपका पूरा का पूरा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया इस वेक्टर बैकबोन में। इस वेक्टर बैकबोन में ये देखिए जीन ऑफ इंटरेस्ट है और यह है वेक्टर का बैकबोन। इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है पूरी की पूरी मैपिंग जो कि इन फ्यूचर आएगा। अब ये हो गया आपका, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, तो आपको पता है कि यहां से ये जो वेक्टर हमने दिया ये वेक्टर रीलाइगेट भी कर सकता है। हो सकता है कि ये इसमें इंसर्ट हो तो आपको मिल जाए वेक्टर रीलाइगेट। वेक्टर जो है वो आपका रीलाइगेट खुद ही हो जाए। वेक्टर जो है यहाँ पे जो ये केस बन रहा था वो खुद ही लाइगेट हो गया, इसमें कोई जीन आया ही नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एटसेल इटसेल्फ जो है वेक्टर की तरह काम करने लगा, वेक्टर खुद रीलाइगेट होगा। जब भी हम इस केस में बात कर रहे हैं, या हो सकता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है खुद ही अपना जो है लाइगेट कर ले, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आ जाए तो ये कुछ भी केसेस बन सकते हैं, चाहे जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना आपस में लाइगेट करे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये दोनों करे या ये करे, पॉसिबिलिटी कुछ भी बनती है, पहली पॉसिबिलिटी या दूसरी पॉसिबिलिटी या तीसरी पॉसिबिलिटी। तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्क्रीन करने के लिए ही स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। वेक्टर इटसेल्फ लाइगेट करेगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसमें अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया तो रिकॉम्बिनेंट होगा, ये भी नॉन रिकॉम्बिनेंट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। कैसे स्क्रीन करेंगे उसके लिए आगे हम देखेंगे। सो दिस इज द केस जो कि ये केस चल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड टेक्निक ये तो था कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तीन अलग अलग चीजें आ गई, तीन पॉसिबिलिटीज आ गई, तो हम उसके बाद अब चल रहे हैं दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन समझने की कोशिश करिएगा कि यू हैव लाइक डिफरेंट डिफरेंट केस आपके पास, मैं दो केसेस को लेके चल रहा हूँ सो दैट कि आप चीजों को अच्छे से कर पाए, ठीक है। एक में सिर्फ वेक्टर है और एक में जो है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। एक में सिर्फ वेक्टर है और एक में जो है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और ये सिर्फ वेक्टर है नॉन रिकॉम्बिनेंट पर, तो ये दोनों के दोनों पार्ट है रिकॉम्बिनेंट और नॉन। ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक ये नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस है, या आप इसको आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं, आर्टिफिशियल टू। आर्टिफिशियल में अलग अलग डीएनए डिलीवरी मेथड होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रोपोरेशन सुना होगा आपने एंड CACL2 मेथड, CACL2 मेथड, ये चीज है जो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है चल सकती है। नाउ इसके अलावा जो हो जाता है कि द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन जो है प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए, दिस इज प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए, ये चीज जो है इन्वॉल्व हो जाता है, प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए। नाउ ये जो होगा ट्रांसफॉर्म करेगा, ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है ये कहां जाएंगे, इनको हमें भेजना होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि हमने क्या किया, होस्ट सेल में, दिस इज लाइक की होस्ट सेल है, इस वेक्टर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे जो है होस्ट सेल पाया जा रहा है, हमने ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज बन, यू विल हैव द थ्री पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर दोज थ्री पॉसिबिलिटीज, वो क्या पॉसिबिलिटीज बनेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है कि अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो कि अगर कोई फॉरेन जीन जब अपटेक हुआ है, जब फॉरेन जीन अपटेक हुआ है तो ये जो है ये भी ट्रांसफॉर्म्ड है, ये देखेंगे ये है ट्रांसफॉर्म, इसमें भी फॉरेन जीन आया है तो ये है ट्रांसफॉर्म, और इसमें कोई भी फॉरेन का डीएनए नहीं आया, कोई वेक्टर नहीं आया, तो दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म्ड में ये है ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला, और ट्रांसफॉर्म में ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला। सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन।
इससे पहले रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर थे, अब इनको ट्रांसफॉर्म कराना था किसी भी मेथड से। ये होस्ट सेल में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अब जा सकता है तो रिकॉम्बिनेंट वाला भी जा सकता है और नहीं जा सकता। सो दीज आर टू आर ट्रांसफॉर्म, ये जो है ये ट्रांसफॉर्म है और ये नॉन ट्रांसफॉर्म है। अब ये है ट्रांसफॉर्मेशन, आपने इनको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। नाउ विल गो फॉर द सिलेक्शन। अब इसके बाद हम जो है सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। सिलेक्शन की तरफ मूव करने से पहले यू हैव टू नो लाइक कुछ वेक्टर्स के पास कुछ कुछ चीजें पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्मली बोलता हूं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, इस वेक्टर के पास ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक नॉर्मल जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, और इसके पास यहाँ पे है एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है यहाँ पे पाया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। नाउ अब ये जो है वेक्टर, ये आपका रिकॉम्बिनेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और इस तरीके से चीजें चल रही है। इवन वेक्टर के पास भी देखिए, अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसके साथ क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, और इसके वेक्टर पे भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होगा। हम यहीं पे मान के चल रहे हैं कि भाई साहब के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और यहाँ पे जहां पे आप इंसर्ट कर रहे थे उस जगह पे लैक जेड जीन पाया जाता है। मान लो हम इसका यूज करेंगे लैक जेड पर, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां पे आएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, और जहां पे वेक्टर होगा इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, और इसके पास जो है यहाँ पे अगर वेक्टर की तरह बात की जाए तो मान लो जस्ट लाइक कि ये है, इसके पास लैक जेड जीन भी। तो हियर अगर इस चीज को समझे, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें, तो अब हम चल रहे हैं दैट इज सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए कुछ कुछ चीजें देखिए। सिलेक्शन उसी को समझ में आएगा जिसको अभी तक यहाँ पे समझ में आया, दिस इज द थर्ड प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने आपको तीन केसेस बताए थे। ठीक है, पहली चीज कि देखिएगा, ट्रांसफॉर्म्ड सेल थे और कुछ नॉन ट्रांसफॉर्म थे। अभी तक आपने देखा ट्रांसफॉर्म था और नॉन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखिएगा, ट्रांसफॉर्म्ड के पास दो चीजें थी, एक रिकॉम्बिनेंट था और एक था आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट। जब रिकॉम्बिनेंट है तो रिकॉम्बिनेंट के पास देखिएगा कि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, प्लस इसके पास जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट, और नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, और इसके पास है लैक जेड जीन। नॉन ट्रांसफॉर्म के पास दोनों नहीं, नो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और लैक्सेट जी, कुछ भी नहीं है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। यहां पे ये दोनों थे, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट के पास अगर आप देख पा रहे हो तो रिकॉम्बिनेंट के पास लैक्सेट जीन जो होता है वो नेगेटिव है, लैक्सेट जीन एब्सेंट होता है, क्योंकि इसी जगह पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किया था। जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां इंसर्ट हुआ है, जहां पे लैक्सेट जीन था। इसी प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोलते हैं, अभी स्क्रीनिंग पे आएगा ये चीज। सो दिस इज द केस जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था। ठीक है, ये चीज आपने देखा कि ट्रांसफॉर्म्ड में रिकॉम्बिनेंट के पास जो है ये चीज पाई जा रही है, टेट्रासाइक्लिन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, लैक जेड एब्सेंट था। नॉन रिकॉम्बिनेंट में टेट्रा और लैक जेड दोनों है, नॉन ट्रांसफॉर्म में कोई चीज नहीं। ठीक है, अब ये चीज देखिएगा कि तीनों के तीनों केसेस में ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, देयर इज थ्री डिफरेंट केसेस, तीन अलग अलग केसेस जो बताए गए थे आपसे। ठीक है, सो उसमें क्या था कि कुछ अलग अलग किस्से पाए जा रहे थे, जिसमें कि आपके वेक्टर था कुछ में नहीं था, दो में वेक्टर, एक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला था और एक में सिर्फ वेक्टर था, एक में ये था। तो ये दोनों तो ऊपर वाले ट्रांसफॉर्म्ड है, इन सब के पास देखिए, इसके पास जो था, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है क्या, है। इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वेक्टर के पास है बेटा, लेकिन इसके पास ये जो है क्योंकि नहीं है कुछ, तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नेगेटिव। नाउ अब इन सबको आप क्या करते हैं, इन सबको इसमें क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है, वो है सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज हो रहा है। क्या डिफरेंशिएट करेगा सिलेक्शन ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, देखिएगा, अब आपने इन सबको प्लेट किया, इन सबको प्लेट किया, प्लेटिंग ऑन लाइक आपने क्या किया, इन सबको प्लेट किया, ले बेटा प्लेट कर दिया।
ये जो है इसमें आपने टेट्रासाइक्लिन को पुट कर, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है। अब जब प्रेजेंट होगा तो आपको पता है कि जिसके पास रेजिस्टेंस वाला जीन है वही सर्वाइव कर पाएगा, नॉन रेजिस्टेंस वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल कि अगर रेजिस्टेंस है तो सर्वाइव करेगा, रेजिस्टेंस है तो सर्वाइव करेगा, लेकिन ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या मिलने वाला है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो दिस यू विल फाइंड हियर कि यहाँ पे ये दोनों तो मिल जाएंगे क्योंकि इन दोनों के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था बट ये नहीं मिला क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म था, ये भी ट्रांसफॉर्म था बट इट इज नॉन ट्रांसफॉर्म। अगर आप देखो तो नॉन ट्रांसफॉर्म जो है वो नहीं मिला, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म दोनों मिल गए, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला और ये वेक्टर वाला। तो ट्रांसफॉर्म में भी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों के दोनों जो है वो मिल गए। तो यार आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने ट्रांसफॉर्म्ड को सिलेक्ट कर लिया। दिस इज लाइक ट्रांसफॉर्म्ड जो है वो आपका सिलेक्ट हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्म गया, नॉन ट्रांसफॉर्म किल हो जाएगा भाई, ये किल हो गया, नहीं मिला। सो दिस यू हैव डन व्हाट यू हैव डन हियर, ट्रांसफॉर्म्ड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड को सिलेक्ट करता है। ठीक है, कैसे सेलेक्ट किया, आपको पता चला कि उनके पास एंटीबायोटिक मार्कर था भैया, रेजिस्टेंस मार्कर था, उन्होंने इस एंटीबायोटिक को सर्वाइव कर लेगा क्योंकि रेजिस्टेंस मार्कर सर्वाइव करके आगे बढ़ गए। दिस इज द सिलेक्शन, ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन पॉजिटिव निगेटिव और भी होता है, विल डिस्कस जहां जाकर उस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो होप यू गॉट द सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन कैसे चलता। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्क्रीनिंग बाय, ठीक है चलिए स्क्रीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ प्रोसेस, इट्स अ वेरी सिंपल स्क्रीनिंग। जब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, स्क्रीनिंग फोर्थ प्रोसेस, स्क्रीनिंग बहुत सिंपल सा है। अगर आपने देखा कि इसमें स्क्रीनेबल मार्कर यूज किए जाते हैं, स्क्रीनेबल मार्कर यूज किया जाएगा जैसे कि GFP, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, जैसे कि LAC-Z, जैसे कि ल्यूसीफरेज, ये चीजें यूज की जाती है। अगर आप देख पा रहे हो कि आपके पास अब दो ही चीज बचे थे, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर आपने देखा हो तो रिकॉम्बिनेंट के पास जो चीज थी वो क्या थी, रिकॉम्बिनेंट के पास था दैट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इसके पास था जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी था, ये भी था, लेकिन क्या इसके पास LAC-Z था, नहीं। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, हमें चाहिए ही नहीं नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसी वजह से LAC-Z तो इसके पास था। ठीक है, नाउ ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें बात करेंगे कैसे, देखिए रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट, दिस इज द केस जो कि ये इन्वॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू हैव द टू थिंग्स, आपके पास यहाँ पे आ चुकी थी नॉर्मली ये दो सेल्स थे, इसमें आपने देखा था कि एक रिकॉम्बिनेंट एक नॉन रिकॉम्बिनेंट का किस्सा है। नाउ मैं ऑलरेडी ये चीज ऊपर लिख चुका हूं तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं स्पेसिफिकली ये है LAC-Z नेगेटिव और ये है LAC-Z पॉजिटिव, इसी की जरूरत होने वाली है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलरली जब हम एक्स गैल को यूज करते हैं, इनको प्लेटिंग की गई आपकी, ठीक है, तो इनकी क्या की गई, प्लेटिंग की गई कि बेटा चलो प्लेट करते हैं, प्लेट करेंगे इस पर्टिकुलर मीडिया पे आपने एक्स गैल को प्रोवाइड किया। व्हाट लाइक एक्स गैल, आप देखिएगा यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक्स गैल इज अ सबस्ट्रेट ऑफ, इज अ सबस्ट्रेट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दैट मींस अगर मैं बोलूं LAC-Z अगर प्रेजेंट है तो ये सिंथेसाइज करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ये सिंथेसाइज करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज यूटिलाइज करेगा एक्स गैल को, और एक्स गैल को कन्वर्ट कर देगा ये ब्लू कलर के प्रोडक्ट में, ब्लू कलर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आई बात, ये है आपका जब LAC-Z प्रेजेंट था तो। When you see that if LAC-Z is absent, अगर LAC-Z absent है, no beta galactosidase, ये नहीं आएगा, no utilization, and this will lead to white color colony. क्या करेगा? White color. So it is also known as blue-white screening. Blue color तब आएगा जब LAC-Z present है, और white color तब आएगा जब LAC-Z absent है.
तो नाउ यू सी हियर कि इसका मतलब है हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जो रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट है, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट, रिकॉम्बिनेंट्स विल शो द व्हाइट वन। आप क्या देखेंगे, इसमें कुछ कलर ब्लू मिलेंगे और कुछ आपके व्हाइट मिलेंगे। आफ्टर यूर पुटिंग ब्लू व्हाइट कॉलोनीज, इसके साथ आपने ये चीज देखी, इसमें क्या है कि जो आपका व्हाइट वन है, व्हाइट दैट इज द डिजायर्ड वन, वो जो है डिजायर्ड वन है और वही रिकॉम्बिनेंट वन है, उन्हीं को जो है फाइनली आपने सेलेक्ट कर लिया। आपको ब्लू चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए जो कि व्हाइट कलर है जिसके पास रिकॉम्बिनेंट जीन जो है पाया जा रहा था, मैंने बताया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात हो रही है, ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज द एम्प्लीफिकेशन। लास्ट स्टेप जिसकी बात करते हैं दैट इज एम्प्लीफिकेशन। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है। द फिफ्थ स्टेप इज एम्प्लीफिकेशन, मतलब आपने ये सारा का सारा काम किया तो इसके बाद क्या करना है, दैट रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन यू हैव, आपके पास क्या है, आपके पास रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है भैया कि मेरे पास जो है ये पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन आ गया है। अब ये है रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन, इसको मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। नाउ आप इसको ग्रोथ मीडिया में, कल्चर मीडिया में जो है यहाँ पे करेंगे। दिस इज लाइक कल्चर मीडिया, ये है कल्चर मीडिया, आप इसमें ग्रो कराएंगे और ग्रो कराएंगे तो दिस विल ग्रो मल्टीपल 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 कॉपीज, कई सारे मल्टीपल कॉपीज बना लेगा और कॉपीज बना के उसी तरीके से चलेगा। द ग्रोथ इज लाइक, ग्रोथ जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। ग्रोथ कैसा होगा, ग्रोथ शुड बी एक्सपोनेंशियल, जैसा कि आपको ऑलरेडी सेल में बताया जा चुका है, एन शुड बी एन नॉट इंटू टू टू पावर एन। इसके अलावा या तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर म्यू टी या एल एन इज इक्वल टू एल एन नॉट प्लस म्यू टी, एनी काइंड ऑफ काइनेटिक्स कैन बी यूज्ड हियर एंड यू विल फाइंड दिस। सो होप यू गाइस कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सो दिस इज अ बेसिक स्टेप ऑफ क्लोरीन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।